ये हसी वादिया ये खुला आसमां। अभी हम चढ़े हैं छत पे, देख सकते हैं मेरे आसपास का व्यू। वाओ बड़ा व्यू, नाइस। और हम भी क्लीन शेप में, सावन से ना धूप लग रही है मुंह में। कैसा फील हो रहा भाई साहब आपको? बहुत बढ़िया। अच्छा फील हो रहा ना? अच्छा फील। चादर टूटी ना गई तो नीचे हड्डी टूट जानी है। सो गाइस, नेट 10 बज चुके हैं। आज मैं मॉर्निंग में 6 बजे उठाऊं, जो कि मेरा 10 बजे मेरा बैंड, हमेशा जब भी स्कूल का बैंड बजता था सामने तो हमेशा वो मेरे को अपने बिस्तर में सुनाई देता था। लेकिन आज मैं उठा हूं सुबह 6 बजे। आज मेरे को लग रहा है कि मैं पता नहीं 2 दिन से जग रहा हूं, है ना। ये सामने स्कूल है, इसका बैंड बज चुका है, तो आज हमें बाहर यहाँ बालकनी में बैंड सुनने को मिल रहा है। सो गाइज, अभी गेस्ट का चेकआउट हो चुका है तो हम भी अब फ्री हो चुके हैं। अब अपनी यूनिफॉर्म उतारते हैं, फिर चलते हैं कहीं घूमने। तो हम फ्री हो चुके हैं अभी राइट नाउ। तो ये देख सकते हैं आप, बिना दाढ़ी के लुक कैसी लग रही है। आज तो मैं बच्चा लग रहा हूँ यार, चल रहा हूँ वे का। ये देखिए गाइज, वर्किंग स्टार्ट, लगे हैं बंदे काम करने। ये अपना त्रिपाठी जी, त्रिपाठी जी बढ़ाओ फिर, बढ़िया से रूम। तो अभी गेस्ट का चेकआउट हो चुका है, अभी बंदे सफाई करने लग चुके हैं। हमारे पास सिर्फ एक रूम लगा था, उसको क्लीन कर रहे हैं हमारे त्रिपाठी जी। और फिर हम भी फ्री हो चुके हैं, अब करते हैं हम भी अपनी यूनिफॉर्म वगैरह, उसके बाद हम भी फ्री अय्याशी का अड्डा चलते हैं, फिर उसके बाद कहीं घूमने। ओके, सी यू सून गाइस। सो हेलो गाइस, नमस्कार, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। बहुत दिनों बाद, काफी दिनों बाद क्या, काफी महीनों बाद। सो गाइस, बैक कर रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे आफ्टर लॉन्ग टाइम, काफी दिनों बाद। सो गाइस, मैंने मंगाया था, पहले तो मंगाया था माइक, देख सकते आप। ये माइक मंगाया, ये था बिल्कुल परफेक्ट, बट मेरे क्या है कि मेरे फ़ोन की सेटिंग हुई थी ख़राब हो रही, तो मतलब सेटिंग करनी पड़ती है पहले इस माइक को सेट करने। तो मुझे लगा ये माइक ही वर्क नहीं कर रहा, तो मैंने इसको ऐसे ही फेंक दिया इधर उधर, कोई पता नहीं था। बट आज मैंने सोचा क्यों ना इसको किसी अदर फ़ोन में ट्राई करें, तो मैंने इसको दूसरे फ़ोन में ट्राई किया, ये वर्क करने लगा बढ़िया से एकदम। तो मुझे लगा यार शायद मेरा फ़ोन ख़राब है, फिर फ़ोन को क्या है कि फिर इसको मैंने थोड़ा बहुत माइक के बारे में पता किया, तो फिर जाके मैंने सेटिंग से पता लगाया कि ये पहले सेटिंग से कनेक्ट करना पड़ता है। फिर जाके मैंने सेटिंग से इसको सेट किया, जो भी इसकी सेटिंग रहती है माइक की, फिर जाके हुआ ये सब चीज़, तो माइक अच्छे से वर्क करने लगा। सो देन अब इसको ट्राई करते हैं कैसी वॉइस आती इससे। सो गाइज, मैंने माइक सेट कर दिया है, ये देख सकते हैं आप, माइक मैंने सेट कर दिया है। अब मेरी शायद वॉइस क्लियर आ रही है, अब इसमें अच्छे से वॉइस आ रही है। तो कहाँ पहुँचे थे हम, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो मैंने बीच में ब्लॉगिंग कर दी थी बंद, क्योंकि थोड़ा बहुत डिमोटिवेट हो गया था, कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा था। तो मैंने सोचा यार क्यों ना फिर से एक बार ट्राई करते हैं, क्या पता यार, कोशिश करते रहने चाहिए इंसान को, बाकी सफलता अपने मुकाम पे खुद मिलती है। सो देन एक बार फिर से ट्राई कर रहा हूँ ब्लॉगिंग। तो गाइस, मैंने अपने चैनल का नाम कर दिया है चेंज, पहले था मेरा विपिन पवार ब्लॉग, तो वो था बहुत लंबा एकदम ऐसे टाइटल टाइप, तो उसको मैंने कर दिया चेंज, अब रख लिया है खेड़ी ब्लॉगर। तो बढ़िया बढ़िया खेड़ी खेड़ी ब्लॉग बनाएंगे, ठीक है गाइस। सो आप लोग शेयर करो चैनल को, सब्सक्राइब करो, और बाकी ब्लॉग बनते रहेगा रेगुलर कंटिन्यू, क्योंकि आज का ब्लॉग बना रहा हूँ मैं यहीं बैठ के, क्योंकि आफ्टर लॉन्ग टाइम ब्लॉग बना रहा हूँ, तो बाहर बहुत ज़्यादा बारिश लग रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इधर ही बैठ के आज ब्लॉगिंग कर लेता हूँ। बाहर एकदम पूरा धुंधी धुंध है, जिसको बोलते हैं पूरा काला रखा मौसम, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। सो कल से बनाएंगे
अच्छे अच्छे लोकेशन पे अच्छे अच्छे व्यू बनाएंगे, अच्छे अच्छे खेड़ी खेड़ी ब्लॉग बनाएंगे। तो मैंने क्लीन शेव कर ली है, कैसे लग रहा हूँ क्लीन शेव में? तो क्या है कि होटल लाइन के बंदे यार, तो क्लीन शेव में तो रहना ही पड़ता है, चलता है। तो बढ़िया स्मार्ट लग रहा हूँ वैसे तो यार, है ना, क्लीन शेप में बढ़िया लग रहा हूँ। ठीक है गाइस, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप बने रहो चैनल में और सब्सक्राइब करो चैनल, करो चैनल को ग्रो कराओ, चैनल को आगे से आगे शेयर करो, तो थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, मोटिवेट मिल जाएगा मुझे भी थोड़ा बहुत ब्लॉग बनाने का और ब्लॉग डालने का, थोड़ा बहुत वो मिलता है ना मोटिवेशन, तो वो आप लोगों से चाहिए। तो आप लोग करो, हेल्प करो और सब्सक्राइब करो, चैनल को ग्रो कराओ। ओके, बाय बाय।